हम लोग पिछले क्लास में कब वेव मॉडल कब वेव थ्योरम कैलकुलेट दिया है उस पर विचार किए हुए हैं और आज आपको बता रहे हैं कि एमएनएटी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप का तो क्या रहने पर क्या जवाब देना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सप्लाई कर्व जो है हमारा है वो आपका है ST = α1 + β1 P-1 और डिमांड है DT = α2 β2 PT ST = DT = quantity T। टी का मतलब हो गया टी फॉर ईयर टाइम, टी फॉर टाइम। अगर टी हो गया 2019 तो T-1 क्या हो जाएगा 2018। तो हम लोग जानते हैं कि किसान सब जो है आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। इसका थ्योरेटिकल कारण क्या है? थ्योरेटिकल कारण है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होता है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दोनों के नेचर ऑफ प्रोडक्शन में अंतर होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में क्या होता है, मान लीजिए कि प्याज का उत्पादन अचानक देखते हैं कि ओनियन का प्राइस बहुत हाई हो जाता है तो इसको करंट ईयर में हाई हो गया, इसको सोच करके अगले साल प्याज का उत्पादन बढ़ाना है तो जो फार्मर होगा वो निर्णय लेगा, इस साल निर्णय लेगा कि प्याज का उत्पादन बढ़ाना है। इस साल वो अपने पिछले आंकड़ों के आधार पर एक अनुमान लगाएगा, इसी अनुमान को बोलते हैं प्राइस एक्सपेक्टेशंस। जिस ठीक उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ जो होता है उद्यमी होता है वो अनुमान लगाता है प्रॉफिट का, तो सो बोला जाता है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। तो देयर इज ग्रेट रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन बोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज वेल एज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये अलग बात है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन बहुत है और उसका बहुत सारा चीज छत के नीचे होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है, लेकिन फार्मर का तो अभी भी खेत जो है खुला ही हुआ है। विदेश में खेत खुला हो नहीं है, बटन दबाएगा पूरा उसके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर लग जाएगा, जब बारिश खत्म हो गया तो फिर कवर को हटाएगा तो टमाटर जौ खाते होंगे। हमारे हमारा बारी छोटा सा टमाटर टूट गया। तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री का ये तो वहां जो है डेवलप्ड कंट्री में एग्रीकल्चर इज लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को फार्म कहते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को फार्म कहते हैं FARM, फार्म फार्म कल्टिवेशन। तो विकसित देश में एग्रीकल्चर बिकम्स फ्रॉम फार्म टू फार्म, वहां एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है वो किसी मामले में कम है, सारा चीज कंप्यूटर से कैलकुलेट करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, प्रोडक्शन करता है, बहुत सारा चीज मैकेनिकल होता है, बहुत सारे खेती जो ऐसा करता है वो अंडर ये प्लास्टिक का हाउस बना के भीतर में बनाता है। तो कहता है कि प्राइस एक्सपेक्टेशंस, प्राइस एक्सपेक्टेशंस करता है 2018 में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा PT-1। और जो बायर है वो बाजार में 2019 में खड़ा है उसके सामने है PT, उस समय क्या है PT। तो देखिए डिमांड इक्वेशन क्या है, DT = α2 + β2 PT। PT हो गया 2019 का प्राइस, करंट प्राइस। आप सप्लाई में देखिए T-1 है, क्या है T-1 है, T-1 का मतलब क्या हो गया प्रेजेंट प्राइस माइनस वन मैंने 2018। तो 2018 में वो प्राइस एक्सपेक्टेशन किया,
कि इस प्राइस एक्सपेक्टेशन पर हमको मिल जाएगा और वो प्रोडक्शन करना शुरू किया। होता क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम होता है कि प्राइस एक्सपेक्टेशंस करने वाला जो किसान है उसका एक्सपेक्टेशन सही भी हो सकता है और गलत हो सकता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम लोग जनरली डिफरेंस इक्वेशन से हम लोग इसको कर्व मॉडल में दर्शाते हैं। कहता है कि प्राइस PT-1 पर सप्लाई गवर्न हो रहा है, डिमांड गवर्न किससे हो रहा है PT करेक्ट प्राइस। तो कहता है कि यहां देखिए ये क्वांटिटी है, आउटपुट है, और ये आउटपुट यहां से है। अब यहां से यहां देखिए ये एरो बना हुआ है, P2 पर सप्लाई यहां है और डिमांड यहां है, क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई हुआ, एक्सेस क्या हो गया, एस। जैसे एक्सेस बाजार में होगा तो प्राइस धड़ाम से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे चला आएगा। अब यहां देखिए यहां एक्सेस भी हो गया है, एक्सेस यहां भी एक्सेस है, देखिए उल्टा हो गया, एक्सेस क्या हो गया, डिमांड हो गया क्योंकि सप्लाई घटा, फिर यहां देखिए फिर ऊपर आया है, यहां भी एक्सेस है, अब यहां फिर एक्सेस कौन होगा, सप्लाई। तो इस सप्लाई डिमांड का एक्सेस होते होते ये इस पॉइंट पर आ जाएगा जिसको कहा जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस कहां होगा, जहां DT इज इक्वल टू हो जाएगा ST। यहां पर DT इज इक्वल टू क्या हो गया, ST, माने इंटरसेक्शन, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। इक्विलिब्रियम कब होता है, इंटरसेक्शन। तो कॉपर मॉडल में कहता है कि आपको जो चित्र है ये चित्र बतलाता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से मूल्य ज्यादा होगा, फिर अगले साल इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा, फिर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगा, फिर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा, ये साइक्लिक चलेगा, लेकिन धीरे धीरे गैप जो है वो क्या होगा, घटता चला जाएगा, अंत में वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इंटरसेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, इसी को कहा जाता है कन्वर्जेंट। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट केस, इसको कहते हैं स्टेबल केस, है ना। दूसरा है जिसमें कि ठीक इसका उल्टा होगा, इसमें हर अगले ईयर पर प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे दूर भागेगा, लार्जर, नेवर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल प्राइस। तो इसको बोला जाता है, यहां आपको इक्विलिब्रियम है DT इज इक्वल टू ST, ये आपको यहां PE हो गया। अब यहां से आप देख रहे हैं P0 है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, प्राइस आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट केस, इसको कहते हैं ऑसिलेशंस, एक्सप्लोसिव ऑसिलेशंस। तो कहता है कि ये केस आपका है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, दो केस है। तो
बीटा मॉडुलस में, मॉडुलस में ऑलवेज पॉजिटिव खोलेंगे तो प्लस माइनस हो सकता है, तो मॉडुल बी बीटा वन ग्रेटर देन बीटा टू और वन बाई बीटा वन इज लेस देन वन बाई बीटा टू और इसी को कहा जाएगा दैट इज ए, ए इज ग्रेटर देन वन, मॉड्यूल ए इज ग्रेटर देन वन। ए के बारे में लोग जानते हैं कि ए इज रेशियो बीटा वन बाय बीटा टू, पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं ए इज इक्वल टू और बीटा वन एंड बीटा टू। ए का मान क्या होता है? बीटा वन बाई बीटा टू। तो ये जो है ये एग्जाम्पल हो गया एक्सप्लोसिव का, एक्स जहां कहीं भी एक्सप्लोसिव होगा कॉल वेव फ्लक्चुएशंस जो कभी नॉट रिटर्निंग टू द इक्विलिब्रियम, देख रहे हैं वहां हर बार अल्लाह बड़ा चक्र बन रहा है, लार्जर एंड लार्जर फ्लक्चुएशंस नेवर अप्रोचेस टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेवर अप्रोचेस टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस तरह का कंडीशन जब भी होगा तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट केस है, अनस्टेबल केस है। और ये एक्सप्लोसिव साइकिल होगा, दूसरा हम लोगों का केस है इसमें आपको बीटा वन बीटा टू वहां मोर देन है, यहां हो जाएगा लेस देन। और वन बाई बीटा वन वन बाई बीटा टू हो जाएगा ग्रेटर। दैट इज ए कोफिशियंट ऑफ अल्फा बीटा वन बीटा टू इज लेस देन वन। ये अगर कंडीशन है तो ये डिस्प्ले करता है स्टेबल एडजस्टमेंट प्रोसेस एंड दैट लीड्स टू कन्वर्जेंस, है ना। धीरे 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 कहां पहुंचा देगा? इक्विलिब्रियम प्राइस पहुंचा देगा। तो इसलिए ये घर आपको याद रखना है स्टेबल, है ना, स्टेबल ऑसिलेशन। Converges on its equilibrium value, the market displays a stable adjustment, oscillations are damped and the market converges to the equilibrium.
तीसरा केस है जिसको कहा जाता है, लिख लीजिए, व्हेन द स्लोप्स ऑफ डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन है ना, और ऑफ द टू कर्व्स डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर इक्वल, आर इक्वल, स्लोप ऑफ एस टी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी टी, ये दोनों अगर इक्वल होगा तो ये कहा जाएगा केस थ्री, ये है आपको केस टू जो कहलाएगा कन्वर्जेंट, और ये है आपको केस वन, ये कहलाएगा डाइवर्जेंट केस। अनस्टेबल केस ये कहलाएगा स्टेबल केस, और केस थ्री जो है स्लोप ऑफ सप्लाई फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व सप्लाई कर्व आर इक्वल, आर इक्वल। तो इसमें आपको बीटा वन बीटा टू दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वन बाई बीटा वन इक्वल हो जाएगा वन बाई बीटा टू, और ए इक्वल हो जाएगा वन, और ए इक्वल हो जाएगा माइनस वन। ये ए इक्वल हो जाएगा वन, और अगर मॉड्यूल हटा दीजिएगा तो ए हो जाएगा माइनस वन। तो इन दिस केस द ऑसिलेशंस नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, और इस ऑसिलेशंस का टाइम पाथ और प्राइस इज, ये जो अगर इस तरह का ऑसिलेशंस होता है तो इसको कहेंगे टाइम पाथ ऑफ ऑसिलेशंस। टाइम पाथ ऑफ ऑसिलेशंस क्या हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू, पीटी हैट इक्वल टू माइनस वन टू द पावर टी, पी जीरो सो दैट द ओरिजिनल डिसइक्विलिब्रियम रिटर्न्स एवरी अदर पीरियड द सिस्टम डिस्प्लेज रेगुलर ऑसिलेशंस दैट देयर आर नाइदर डैम्प्ड नॉर एक्सप्लोसिव इट इज ऑब्टेंड इन ए लीनियर कॉर्वेट मॉडल। कहता है कि अगर ये कंडीशन हो जाएगा तो टाइम पाथ ऑफ ऑसिलेशंस कॉर्वेट मॉडल का, कॉर्वेट मॉडल का जो टाइम पाथ होगा है वो क्या हो जाएगा, पीटी हैट, क्या बोलेगा उसको, पीटी हैट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट माइनस वन टू द पावर टी एंड पी पी जीरो हैट, ये टाइम पाथ हो गया। इसी में आप टी इंक्रीजेड, तो इसमें आप देखिएगा सिस्टम में देयर इज नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज, इन दिस केस द ऑसिलेशंस नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, एंड दिस इक्वेशन ऑफ द टाइम पाथ और प्राइस इज एक्सप्रेस देयर, दिस इक्वेशन टेल्स अस
that the original disequilibrium, original disequilibrium will return every year, every other period, and the system displays regular oscillations that are neither damped nor explosive. Oscillations होगा, लेकिन ना तो घटेगा और ना तो बढ़ेगा. तो ये तीन तरह का आपको जो दिखलाया गया.